देख रहे हैं दोस्तों, आज ये मैंने बनाए हैं स्टफ्ड कैबेज रोल, वो भी सारे लेफ्ट ओवर को प्रयोग करते हुए। और इनको बनाने के लिए मैंने किस किस सामान का कैसे प्रयोग किया और उसको मैंने कैसे द्वारा से एलिवेट किया और बनाया, यही मैं रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और दोस्तों, इसी के ये सारा का सारा जितना भी सामान आज मैं बनाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ लेफ़्ट ओवर से ही बनाया जा रहा है। इसके अंदर में ये मेरे पास थोड़ा सा पास्ता बचा था और ये थोड़ी सी वाइट सॉस भी, तो इन्हीं को मिला के आज मैं बनाने जा रहा हूँ अपना ये स्टफ्ड कैबेज रोल विथ रिसोटो, यानी चीज़ एंड राइस इन माय स्टाइल इटालियन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसकी रेसिपी, फटाफट बनाते हैं झटपट बचे हुए सारे सामान से ये स्टफ्ड कैबेज रोल विथ वाइट सॉस एंड टॉस्ट पास्ता विथ वेजिटेबल्स। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं शेफ राजेश फ्रॉम देसी शेफ लिटिल किचन से। दोस्तों, आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये अपने आप में ही वैसे तो डेलिकेसी है, परंतु मैं जिन चीज़ों का प्रयोग करके बनाने जा रहा हूँ वह है सब लेफ्ट ओवर से ही, परंतु बनेगी बहुत ही शानदार। देखिए, मेरे पास कुछ वाइट सॉस है और मेरे पास ये कुछ वेजिटेबल टोस्ट पास्ता था, ये भी है मेरे पास, इसको भी मैं यूज़ करूँगा। और साथ ही में मेरे पास है ये कुछ लेफ्ट ओवर पुलाव, इसके अंदर में थोड़ी सी सीजनिंग एडजस्ट करते हुए इसको भी मैं यूज़ करूँगा। किसके लिए? आज मैं बनाने जा रहा हूँ स्टफ्ड कैबेज लीफ से स्टफ्ड कैबेज रोल, सॉरी फॉर माई फंबल। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ सामग्री चाहिए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सारी सामग्री है ही, बस इन सबको मैं अरेंज करके इनको असेंबल करके इनको किस तरह से प्रेजेंट करना है वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कि कैसे हम बचे हुए खाने से अपने खाने को ख़त्म भी कर दें और देखने खाने में स्वाद भी हो जाए और देखने में सुंदर भी लगे। तो बस शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैंने गैस पर पतीला चढ़ा दिया है, जिसके अंदर में ये मैं अपने कैबेज के लिए जो लीव्स हैं इनको मैं एक ब्लांच मार दूँगा। तो बस इसके लिए मैंने, क्योंकि मैं तीन लोगों के लिए बना रहा हूँ पर पर्सन तीन रोल, तो मैंने 8 से 9 कैबेज के लीफ ले लिए हैं। इनको मैंने ऐसे कैबेज कप के लिए के हिसाब से निकाल लिए और अब इनको मैं यूज़ करूँगा कैबेज को रोल करने के लिए विद द स्टफिंग ऑफ दीज राइस, लेफ्ट ओवर राइस, और साथ ही में वाइट सॉस और पास्ता को भी मैं यूज़ करूँगा। तो बस शुरू करते हैं आज की रेसिपी, लेट्स स्टार्ट। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरा पानी उबल गया है, बस इसमें मैं ये लीफ डाल के इनको फटाफट ब्लांच कर लूँगा। ओवर ब्लांच नहीं करना है, ताकि इनका क्रंच भी बना रहे और ये बिल्कुल ही लटके लटके भी ना रहे, और जब मैं रोल करूँ तो ये थोड़े नरम भी रहें। तो फर्स्ट इनको मैं झटपट ही, ये 2 मिनट से भी ज़्यादा, बहुत ही कम टाइम में, सॉरी फॉर माई फॉर्मल अगेन, 2 मिनट से भी कम टाइम में ये झटपट ही ब्लांच हो जाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, मेरे पत्ते जिनको मैंने ब्लांच करना था, गोभी के, बंद गोभी के, उनको मैंने ब्लांच कर लिया और अब इनको मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूँगा। मीनटाइम मैं अपने इन चावलों को थोड़ा सा तैयार करता हूँ स्टफिंग के लिए। तो दोस्तों, इन चावलों के बीच में मैं ये थोड़ा सा चीज़ मिला दूँगा, ताकि ये थोड़ा सा रिसोटो स्टाइल में आ जाए। और इसके अंदर में मैं डालूँगा अपनी घर पे ही बनाई हुई, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ये अपनी स्वीट चिली गार्लिक सॉस, थोड़ा सा स्पाइसी और टेस्ट बदलने के लिए बस मैंने 1 चम्मच के लगभग डाल दी है। और इसकी रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। तो बस इसको मिला के अब मैं स्टफिंग की तैयारी शुरू करता हूँ। ये मैंने स्टफिंग जो मैंने चावल के साथ बनाई है, जिसमें थोड़ा सा चीज़ और स्वीट चिली गार्लिक सॉस मैंने मिलाई है, अब मैं इसको एक एक करके, ये जो मैंने कैबेज के जो मैंने लीव्स जिनको मैंने ब्लांच किया है, अब इसके अंदर में थोड़ा थोड़ा स्टफ़ करता जाऊंगा। स्टफ़ करने से पहले मैं हर एक के बीच में थोड़ी थोड़ी ये वाइट सॉस लगा दूँगा, ताकि ये होल्ड भी करे, और इस वाइट सॉस में भी मैंने काफ़ी चीज़ डाला हुआ है। तो बस 1 स्पून इसमें मैंने डाल दिया ये अपना अकॉर्डिंगली, और अब इसको मैं आराम से, वैसे तो जैसे हम अपना शेल्स देते हैं ना एंचोवी,
उस हिसाब से भी दे सकते हैं, ऐसे भर के ऊपर से और चीज़ लगा के, परंतु मैं अब इनको रोल करने जा रहा हूँ। हाँ, इसमें स्टफिंग थोड़ी और डालनी पड़ेगी, पर कोई बात नहीं, अब मैं इसको आराम से रोल कर दूँगा। ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं स्टफिंग को एक साइड पर रख दूँगा, और आप जैसे स्प्रिंग रोल रोल करते हैं ना, बस वैसे ही मैं इनको आराम से रोल कर दूँगा। ये देखिए, हो गया ना रोल। ये देखिए, इसी तरह मैं बाकी भी रोल करके आपसे मिलता हूँ। जैसे पान के लिए हम चूना लगाते हैं ना, ऐसी ये सारी वाइट सॉस जो मेरी बच गई है, सब पे मैं थोड़ी थोड़ी रख दूँगा, ताकि जब मैं इसको फोल्ड करूँ इसके अंदर में राइस डाल के, तो ये राइस को भी बाइंड करने में हेल्प कर दे। ये देखिए, बहुत सिंपल है और फटाफट बन जाती है, और बहुत ही क्लासिक रेसिपी बन जाती है। लीजिए दोस्तों, ये जितने भी मेरे कैबेज रोल थे, इनको मैंने लेफ्ट ओवर राइस से चीज़ और स्वीट चिली गार्लिक सॉस डाल के सीजनिंग एडजस्ट करते हुए इसमें स्टफ कर दिया। बहुत ज़्यादा फाइनिशिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि हम घर पे ही सर्व करने वाले हैं, फिर भी देखने में अच्छा लगे बस वैसा ही करना है। तो ये मेरे स्टफ कैबेज रोल तैयार हो गए हैं विद द राइस। तो बस अब इनको मैं अरेंज कर दूँगा इस पास्ता और वाइट सॉस के साथ में, और फिनिश करूँगा ऊपर से और थोड़ा सा चीज़ डाल के। दोस्तों, ये मेरे रोल तो रेडी हो ही गए हैं, अब मैं इनको सर्व करने जा रहा हूँ। मैंने वाइट सॉस और पास्ता को गरम कर लिया है, तो पहले मैं ये वाइट सॉस को थोड़ा सा बेस पे लगा दूँगा, ताकि ये मेरे जो रोल हैं ये इधर उधर भागे नहीं, इनको एक छोटा सा बेस मिल जाए। और वाइट सॉस के बीच में ऑलरेडी चीज़ और कॉर्न तो पड़े हुए हैं, और अब इसके ऊपर में मैं रख दूँगा ही अपना रोल। अब देखिए, ये जा रहा है उस बंदे के लिए जिसको बहुत कम चाहिए, तो बस उसी के लिए मैं ये बनाने जा रहा हूँ। और अब इसके ऊपर में ये थोड़ा सा वाइट सॉस और इसके साइड पे जाएगा थोड़ा सा ये पास्ता पैने, जो कि मैंने गरम कर लिया है। ये देखिए, विद वेजिटेबल्स हैं, तो इसमें ब्रोकली, तीनों तरह की बेल पेपर, ये सब पड़े हुए हैं। इस पे डालूँगा ये मैं थोड़ा सा चीज़। बच्चों को खुश करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और ब्यूटीफाई करने के लिए मैं थोड़ी सी इसके ऊपर मैं डालूँगा ड्रॉप ऑफ कैचअप्स। ये गई मेरी थोड़ी सी ड्रॉप ऑफ कैचअप्स इसके ऊपर में, ये मेरे कैबेज रोल के ऊपर में। और इसको मैं अब थोड़ा सा गर्म करने के लिए माइक्रो मार दूँगा। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो ठीक है, नहीं तो आप इनको पैन में भी गर्म करके अरेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए, गर्म हो के आ गए हैं, और इस पे डाल दूँगा ये मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स। ज़्यादा नहीं डालूँगा, क्योंकि ये बच्चा थोड़ी कम मिर्ची खाता है। तो देखिए, मेरे पूरे बचे खाने से मेरे बन गए फर्स्ट क्लास ये स्टफ्ड कैबेज रोल्स। तो देखिए, मेरा सारा लेफ्ट ओवर भी यूज़ हो गया, और क्या से क्या नया एंगल भी बन गया, खाने में भी खूबसूरत, देखने में भी लाजवाब, क्योंकि हम पहले आँखों से खाते हैं, फिर मुंह में जाता है स्वाद, और फिर तो काम ही ख़त्म अगर लग गया स्वाद। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलूँगा कल नई टिप, नई ट्रिक, नई रेसिपी के साथ में। तब तक आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन फॉर माई मोटिवेशन एंड बेल आइकॉन फॉर माई वीडियोज नोटिफिकेशन। तब तक ऐसे ही खाते रहिए, पैसे बचाते रहिए, पचाते रहिए, और मौज भी मनाते रहिए। मिलूँगा कल नई टिप, नई ट्रिक और नई रेसिपी के साथ में। तब तक आपका दिन शुभ हो।